हो दगड़ियों, जय श्री कृष्णा। सबसे पहले आप सबका मेरे प्यार भरी प्रणाम। मेरी नौ दीपा नेगी और स्वागत है आपको देवभूमि उत्तराखंड में, उत्तराखंड का पहाड़ बटिन है, पहाड़ी क्षेत्र बटिन। तो अभी ना आज की ब्लॉग स्टार्टिंग में बहुत ही ज़्यादा लेट में शुरू करूँ, शाम की 5 बज चुकी ना। और आज ना हमारा बच्चा लोग आना घर, और मतलब अभी हम उनका लेना जाना, अभी मतलब वो किचन है श्रीनगर जो हमारा मेन मार्केट जी, तो उन और जाखनी चौरास बटिन है। तभी उनका लेना था, दूर जाना हमने रोड में बहुत ही ज़्यादा दूर, जो लास्ट धाली दिखेणी वो पिछने वो जाना हम रोड वक जी, तो वो अभी बहुत ज़्यादा लेट हो जाना बच्चों का लेना है। अभी रात हो गई, अब रात ही आना 7-8 बजे तक, 7 बजे तक आ सकते हैं शायद में, 7:30-7 बजे तक। तभी मैं ना फटाफट से ना भैंस से दूध निकाल देना, सब्जी बना देना, और सर्दियों की छुट्टी पड़ी उन भी हमारे घर में ना पहाड़ पूजा की भी तैयारी चलनी। तो 21 जनवरी का होना हमारा देवता को हवन, घड़ियाल देवता हवन, तो ये वजह से भी बच्चा लोग घर छन होना, और सर्दियों की छुट्टियाँ वजह से भी। तो फटाफट करी के ना मैं तब रे भैंस में दूध निकाल के लाना, तो तब जहाँ हम उनका लेना दोस्तों। और अब बच्चों का दगड़ा दगड़ा मना कुछ खास आन वाला छन जो कि छन के बल, तो वीडियो में बने रहे ना कुछ नंबर खास सोना, ये दुनिया से भी अलग छन जो उस ओणा हमारे घर। अरे एक ना बेड़ों बटी हैसणी ठीक चले ठीक छे, और खास इन दुनिया से हट गए छन उस ओणा आज हमारे घर। तो मैं बता दो कुछ नहीं दुनिया से हटी गए, तो चलो मिलो ना मैं तुमके थोड़ी देर में, तब तक के बने रहे वीडियो में, पूरी एंड तक देखें वीडियो ठीक छे दगड़ियो। मैं भैंस मुँह दूर निकालो पहले फटाफट से। हमारी बड़ी जी भी आई है हमारे घर में, बढ़ जाता है ओ बड़ी नहीं सुनी बड़ी। दगड़ियो हम देखा जाना अब रात अपने बच्चों का लेना, ये देखा या ये देखो कथा रात होगी, अब से हमारे बच्चे आना, अब हम रास्ता मसा जाना रास्ता बड़ा जल्दी जल्दी मैं थोड़ी वीडियो बनाए ना। ये देखो या दूसरा गाँव सील खोला, गाँव वालों लाइट जगनी तो ठीक छे। ये देखा हम दगड़ियो रोड में पहुँच गया फाय, अब ये देखो हम एक गाड़ी भी पहली सी खड़ी हुई है, हम रोड में आप इंतजार करना, अभी आई नहीं हमारा बच्चा। तो चलो भाई दगड़ियों सुबह लोग आएगी, बच्चा लोग हमारा शुभम का उल्टी बोले, मैं शुभम का उल्टी होनी ले भाई। मोनी मोनी ठीक है, बिहार से पहुंच गई भाई, मोनी भाई ए पापा मोनी बिहार से पहुंच, भगवान आज की जिंदगी नहीं मिली भाई। नमस्ते, तब लेट हुए थे राम सुबह में, ओए सुबह है किसी के पास ले यार, एक आंखें हूं कितना नहीं रहे तू टोपली के नहीं धाकते तब है बेटा उल्टी बोल रही था, हां ऐसे हो गया था ले सांप बांध दे मुंह में, बैग में टोपी रख दे सुबह सारे टूट रखे ये तो मेरी रोन बनी है चंचल ने दे दे अब ले बैग पकड़ो पकड़ ले मम्मी कर ले ना यहीं पे कौन देख रहा तेरे को। हेलो, तुम्हारे बच्चे लोग भी पहुंच चुके हैं, तो इतने अंधेरे में आ रखे हैं भाई, आ रहे हैं सब के सब, 1, 2, 3, 4 अब पाँचों के पाँचों। तो अब ना दोस्तों आपको मिलते हैं सीधे घर में, पाँच ने सोनी मोनी अंजी आयुष और शुभम घर में आई हूँ दुइयों पर दिखा साल। सबसे पहले डॉगी का लिखा मोनी और शुभ भी डॉगी ली गएगी, देख लिया ना बिहार जा रखी थी, मतलब बिहार से जाई मोनी, और मोनी होनी 10-11 दिन में बिहार बटिन। अब सबसे पहले कुत्ता दर भी देनी जी, चलो भाई कुत्ता का कुत्ता बिस्तर में रखा, कुत्ते की बिस्तर यहाँ पे चल। चलो दगड़ियों हम भी आ चुके हैं घर में, और मोनी जी जो कि 9-10 दिन में बिहार पटना बिहार बटी आनी जी, जो कि नेशनल में खेल कूद में से जाई फुटबॉल मैच में, तो ये गुरजन जब ही तो बुलाने लगे चाहता हम उन्हें झाड़ काटी मना कर देखे नहीं जा। तो मोनी तब गुरजन बहुत ही ज़्यादा जिद करी कि चाह, तो मोनी गए बिहार, तो बाकी का बच्चा भी आया था हमारा भी घर, जो कि अब मतलब कुछ बोले कमरा में छा, और सुबह हम चाह भी मैं लड़ कैमरा मैन बनी जो सुबह में अभी, और मोनी बैठी ची, तो मोनी 9-10 दिन मार वो खेल कूद मजे मस्त करके आई भाई मोनी वह, तो वो मोनी घुमा के भी गए बोले अहिल्या मंदिर और द्वारिकाधीश मंदिर, और वो बैठी आज कुछ खास लाया मोनी जो मैं बोलू छू अभी तुम गए कुछ खास आनवा छन की जो की पूरी दुनिया से अलग छन, तो दिखा दी मोनी कपड़ा हटाना। तो ये रहे द्वारिकाधीश, ये देखे क्योंकि मोनी द्वारिकाधीश मंदिर से जाए रोक बटी द्वारिकाधीश ले गणपति बाबा मूर्ति भी, तो द्वारिकाधीश मतलब मैं मी मूर्ति लगाना है ना बहुत समय बटे एक साल बटी जब सोचू, तो भगवान का जब कोई ना सच्चा मन से पुकार दो तो भगवान खुद ही चली आना ना, मतलब हमका नहीं जान पड़ दो भगवान जी का पास, भगवान खुद ही चले आना,
तो देख लिया भगवान जी खुद ये युगल छवि की ना मतलब मार मंदिर में युगल छवि की मूर्ति नहीं है हमारी जो राधा कृष्ण जी तो युगल छवि बनी गया भगवान जी हमारे घर में और साथ ही गणपति बाबा और शिवलिंग जी। तो दगड़िया इचू कुछ खास देख ला सृष्टि का पालनहार सृष्टि का चलाने वाला श्री कृष्ण भगवान और राधा रानी। तो ठीक है दगड़िया सुबह हम भी आई आजकल घर जो कि शिव भक्त जी और सुख भी गई ये मूर्ति भी जहाँ अच्छी लगी कि लगी हमारे शिव जी चन और ये हमारे गणपति चन। तो ये देखिए दोनों के दोनों शुभम ये तो शिव भक्त है भाई ये तो क्या बोले अंडा मीट मांस कुछ नहीं खाता है ये तो शिव की भक्ति करता है बस शिव को मानता है और साथ में गणपति बाबा शिवलिंग देखो उसे बहुत ही अच्छा लग रहा है भाई। तो ठीक है शुभम अब सोने के लिए चलते हैं इनको इनको स्थापित कर लाभ हम कबरी जब हमारा हवन होला हमारे देवता की पहाड़ पूजा होला तब पंडित का द्वारा करना हम स्थापित मंदिर में कितनी प्यारी जोड़ी आय हाय 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 देखा ठीक छ दगड़ियों मिला हम तुम घसी दू सुबेर दा।